Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Twin Flame Energy Update, New Moon in Cancer. आज के Twin Flame Energy Collective Twin Flames Energy receive हुई है जो आप में से जो True Twin Flame है उनसे resonate करेगी. न्यू मून इन कैंसर जो 28 जून मीन्स आज से है, न्यू ट्विन फ्लेम्स के लिए चैनलिंग हुई है. जो वो पहले बता दूं, आपको सेल्फ लव में आना है. सेल्फ लव में आने से आपकी स्पिरिचुअल क्लींजिंग होगी. यू मेक डिस्टेंस फ्रॉम योर नेगेटिव टाइप्स फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. कोई मदर फिगर आपका हेल्प कर सकते हैं. आपको उनसे हेल्प लेने के लिए रेडी रहना चाहिए. कुछ पर्सनल सिचुएशन जो कि पेनफुल हो उन्हें आप लेट गो करें. अगर आप इजीली लेट गो करते हैं तो आप आउटसाइड और इनसाइड ट्रिगर्स को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे. आपकी सोल आपको पुल करेगी कुछ ऐसा डिसीजन लेने के लिए जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. कुछ ट्रुथ सामने आ सकता है जिसे लेकर आप ट्रिगर हो जाएंगी. जो ट्रुथ आपके डीएम से रिलेटेड या फैमिली या फ्रेंड रिलेटेड हो सकता है, जिससे आपको उस पर्टिकुलर पर्सन का हिडन प्लान पता चल पाएगा. ऐसे में आपको कूल रहकर बैलेंस वे में सिचुएशन को हैंडल करना होगा, क्योंकि ये ट्रिगर्स आते ही इसलिए हैं ताकि आप अभी कितना इवॉल्व हुई हैं और कितना होना बाकी है वो पता चल सके. रिमेंबर, यू आर राइजिंग इन योर सोल पाथ. इसलिए जैसा सिचुएशन आए उसे एक्सेप्ट करें. अगर वो आपको ट्रिगर दे रहा हो तो जानिएगा कि अभी उस सिचुएशन को लेकर टेंस होने की ज़रूरत नहीं है. आपके नॉन रिएक्टिव रहने से ये सिचुएशन जल्दी सॉल्व हो जाएगी. पर अगर आपने रिएक्शन दिया तो फिर से आप लो वाइब्रेशन में चली जाएंगी. चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं. अगर आप अपना करेज मेंटेन रखें तो आपके फेवर में रिजल्ट आएगा. आप देखना, आपको इंट्यूशंस आपके गाइड करेंगे कहाँ आपको साइलेंट रहना है और कहाँ आपको एक्शन लेना है. ओनली लिसन टू योर इंट्यूशंस. इमोशनली अनग्राउंडेड फील कर सकते हैं आप. आपको एनर्जी बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है जिससे आपकी एनर्जी हाई रह सके. प्लीज़ डू मेडिटेशन डेली. वाटरी जोडियक साइन अगर आपका है तो ज़्यादा संभल कर रहें. कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाटर एलिमेंट वाले जोडियक साइन होते हैं. चलिए अब कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स एनर्जी चैनलिंग में जो न्यू मून इन कैंसर जो कि आज से शुरू हो रहा है, वो अभी अभी जो चैनलिंग रिसीव हुई है उसको मैं डिस्कस कर लूँ. डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकन बहुत बहुत हो रहे हैं, और वो डिवाइन मैस्कुलिन्स जिनकी डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर काम कर चुकी हैं या बिल्कुल लास्ट स्टेज तक आ गई हैं, हीलिंग कर चुकी हैं, उनके डीएम की अवेकनिंग शुरू हो रही है या शुरू हो चुकी है, ये कहना होगा सही. डिवाइन मैस्कुलिन को सोल शॉक लग रहा है. डिवाइन मैस्कुलिन को सोल शॉक लगने पर उन्हें सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन की ही याद आती है, और आए भी क्यों ना, उनको हील करने के लिए और कोई परफेक्ट पर्सन हो ही नहीं सकता. अगर ऐसे में आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं लेकिन आपको ऐसे में ज़्यादा एनर्जी उन्हें नहीं देनी है, जैसे जब आपकी अवेकनिंग हो रही थी आप अकेले ही सब हैंडल किए, ठीक वैसे ही आपके डीएम को भी स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनकी प्रॉपर अवेकनिंग नहीं हो पाएगी. जैसे कोई स्टूडेंट तभी ठीक से पढ़ सकता है जब उसे
कोई डिस्टर्ब न करने वाला हो और शांत या एकांत में बैठा हो। ठीक वही चीज़ अभी डिवाइन मस्कुलिन्स के साथ हो रहा है, वो अभी अवेकनिंग स्टेज से गो थ्रू कर रहे हैं, सो दे नीड नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड एनीमोर। आपको अपने ऊपर अभी ध्यान देना होगा, खासतौर पर लो बैक पेन, विजन ब्लर्ड हो सकता है आपका। डिवाइन फेमिनिन के लिए ये चैनलिंग है, आपको दिन में बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, तो सोइए, अगर टाइम मिलता है टेक अ नैप। आपके डीएम को स्लीप डिस्टर्बेंस फील होगा, आपके डीएम का कोई ना कोई लेडी फिगर से फ्रिक्शन हो सकता है, फैमिली में या उनके वर्क प्लेस में बॉस या को वर्कर के साथ। उन्हें उनके ही फैमिली के कोई लेडी फिगर से मेंटल टेंशन भी मिल सकता है। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम ट्रबल कर सकती है आपके डिवाइन मस्कुलिन्स को। डिवाइन मस्कुलिन्स एनर्जी अभी बहुत इम्बैलेंस रहेगी। इमोशंस को कंट्रोल करना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है, इसलिए आपको डिवाइन फेमिनिन आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना होगा। आपके बेली स्वेल्ड हो सकता है, आप जितना भी एक्सरसाइज करें आपको लगेगा कि आज की आपकी बेली स्वेल्ड बनी हुई है। इसको लेकर आपको टेंस नहीं होना है, ये सब सिचुएशन कुछ दिन बाद ही ठीक हो जाएगा। जैसा कि अब कैंसर सीजन शुरू हो चुका है, तो अगले मंथ में वाटर ज़ोडियक साइन वालों का रियूनियन हो सकता है, अगले मंथ जुलाई ऑनवर्ड्स। खासतौर से कैंसर ज़ोडियक साइन के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा जुलाई का महीना। Cancers have an excellent sense of intuition. Cancers seem to know when things are happening in far away places, both in space and time. Collective divine feminine or masculine के लिए major energy shifting की channeling हुई है। आप या तो कुछ दिन से या आजकल से ही feel करेंगे कि अब बहुत हुआ, मैं अब रनर बन जाऊं तो अच्छा है, और यही आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। और यहाँ आप रनर बनेंगे और आपके डिवाइन मस्कुलिन्स बनेंगे चेजर। तो ये जो एनर्जी शिफ्टिंग है, ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चैनलिंग हुई है, एक जबरदस्त एनर्जी शिफ्ट दिख रही है, क्योंकि ये जो रनर और चेजर फेस का जो एक शिफ्टिंग हुई है, ये चैनलिंग में आया है कि अब ये रन मैस्कुलिन्स रन कर कर के अब थक चुके हैं, अब लगता है उन्हें रेस्ट लेने का मन हो रहा है। अब आप में करेज आएगा, डिवाइन फेमिनिन आप में करेज आएगा, ऑटोमेटिकली यू फील करेजियस विद इन यू, फियर फैक्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा आपका, हर एक चीज़ों को लॉजिकल वे में देखना शुरू कर देंगी आप, लाइफ के मेजर डिसीजंस आप खुद लेना पसंद करेंगे। अब आपको अब लगेगा कि लाइफ में और भी बहुत कुछ है करने को। कलेक्टिव चैनलिंग में डीएफ का बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल चेंज होने वाला है। आपको एंगर इश्यू हो सकता है डिवाइन फेमिनिन, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालना चाहेंगी, पर ऐसा करना गलत है, इसलिए एडवाइजेबल है कि ऑरा प्रोटेक्ट करें और मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें, जिसे अजप अजप कहते हैं, ताकि आपकी एनर्जी लो ना होने पाए। आपको ओल्ड फ्रेंड्स फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके ओल्ड रिलेटिव्स भी फिर से अप्रोच करेंगे आपको, जिनसे आपके रिलेशन खराब हुए हो गए थे कुछ महीनों पहले ही। तो ऐसे में अगर आपको उनसे फिर से कनेक्शन चाहिए तो ही आप उनसे कम्युनिकेट करें, अदरवाइज यू कीप सेपरेट फ्रॉम देम टोटली। डिवाइन फेमिनिन को न्यू मून में कुछ ट्रिगर्स मिल सकते हैं। ये फुल मून इन कैंसर में होने से इमोशनली इम्बैलेंस फील हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनिन को। यूज लॉट्स ऑफ वाटर, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, हर्बल टी आप पी सकते हैं, ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, ईट लाइट फूड, वेजीज लीजिए और रेस्ट लीजिएगा। बीपी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं डिवाइन फेमिनिन आपको, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा।
डिवाइन मास्कुलिन्स की कलेक्टिव में लो एनर्जी, बहुत ही लो एनर्जी रहेगी. दे फील टायर्ड, अनफुलफिल्ड स्लीप एंड सेंसेशन ऑफ रेस्टलेसनेस. डिवाइन मास्कुलिन्स को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके लाइफ में सब मैसी सा क्यों हो गया है. आप अपने इंट्यूशन की सुने, किसी फ्रेंड से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई डिवाइन मास्कुलिन्स मुझे सुन रहे हैं, ये उनके लिए एडवाइस है. दे माइट नॉट बी द बेस्ट पीपल टू गाइड यू थ्रू दिस जर्नी. बी वाइज एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन. डिवाइन मास्कुलिन्स, डिवाइन मास्कुलिन्स की लाइफ में कंफ्यूजन बना रहेगा. डिवाइन मास्कुलिन्स को किसी आउटसाइडर से लव अफेयर का स्कोप भी मिल सकता है, पर एडवाइस ये रहेगा कि आप इसमें इंडल्ज ना हो, एज यू कुड एंड अप गेटिंग कॉट अप. इसलिए ऐसे लव अफेयर में बिल्कुल इंडल्ज ना हो. अभी कार्मिक कट ऑफ का टाइम है, प्लीज डोंट ऐड एनी कार्मा फर्दर. शॉर्ट पीरियड के लव अफेयर ज्यादा घाव दे जाते हैं, इसीलिए कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी लव अफेयर शॉर्ट टर्म का जबरदस्त नुकसान दे के जाते हैं. इसलिए लव अफेयर बना लेना बहुत आसान है, लेकिन उससे निकलना, आप किसी के भी प्यार में उतना ही डूबें जितना आप ये जान सकें कि अगर आप अगर डूब रहे हो तो वहाँ से तैर के निकल सकें. इतना किसी के प्यार में मत डूब जाइए जहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को डुबो ही दें और न ज़मीन मिल सके, सीधे आप ऊपर आ जाएं तैर के. मुझे उम्मीद है मैं आप समझा पा रही हूँ आपको कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ. इसीलिए किसी भी लव अफेयर में अभी इस वक्त बिल्कुल ना पड़े. दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टर्म लव अफेयर, और वो चीज़ आपको बहुत गहरा घाव या नुकसान दे जाएगा. ओके, जिन डीएफ एंड डीएम की या दोनों में से किसी एक की जोडियक साइन कैंसर है, उन्हें अपने शाई नेचर से थोड़ा बाहर आना होगा. कैंसर लिटरली रूल्ड बाय द मून प्लैनेट, बाय योर सबकॉन्शियस एंड योर इमोशनल इनर बीइंग. आपके लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है. ये न्यू मून वैसे तो कैंसर में होने वाला है, पर सभी जोडियक साइन इससे अफेक्टेड रहेंगे. अपने सभी अनवांटेड इमोशंस को पर्ज आउट करें. बेली स्वेल रह सकती है, जो मैंने पहले ही कहा. बॉडी पेन हो सकता है, भूख कम लगेगी, पर हेल्दी और न्यूट्रिशनल डाइट आपको लेना होगा. डिवाइन मैस्कुलिन्स की सोल की अवेकनिंग चल रही है. जब किसी की अवेकनिंग होती है ना, तो कैसा फील होता होगा ये आप डिवाइन फेमिनाइन से ज़्यादा कोई समझ ही नहीं सकता. ना तो वो अभी फैमिली में मन लगा पा रहे हैं, ना अपने जॉब या बिजनेस पर. अभी उनको आपको जाकर डिस्टर्ब भी नहीं करना है. डिवाइन फेमिनिन डीएम अभी हॉमिट मोड पर हैं, और उन्हें इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये सिचुएशन गॉड के द्वारा दी गई है. डिवाइन मास्कुलिन्स जितने रिजिड रहेंगे, इस कनेक्शन को लेकर जितना भागेंगे और इस कनेक्शन को लेकर उनकी पेन और बढ़ती जाएगी. जितना वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, उनकी पेन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी. कुछ डीएम बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, उन्हें डिवाइन की ओर से इंट्यूशन दिए जाते हैं, पर फिर भी वो समझना नहीं चाहते. आप सबको पता है कि भगवान अपना काम करवा ही लेते हैं. आप में से कितनी डिवाइन फेमिनाइन होंगी जो कितनी बार इस जर्नी से मूव ऑन करने की सोची होंगी, पर क्या आप कर पाए मूव ऑन? नहीं ना. ठीक वैसे ही डिवाइन is having his own way to handle such type of divine masculines. अगर थोड़ी देर भी हो, लेकिन divine के आगे हम सब helpless हो जाते हैं. Divine masculines जो थोड़े stubborn nature के हैं, अब life situation थोड़ा difficult होने वाला है. Family conflict, karmic payoff, career loss, health problem, इन सारी issues को उन्हें झेलना पड़ेगा. पर इनमें एक अच्छी बात भी है,
वो ये कि एनर्जी इन इस एनर्जी से होते हुए ही वो इवॉल्व हो पाएंगे। इसलिए आपको उनके लिए बॉदर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बार बार चैनल हुई है डिवाइन फेमिनिन, आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अप्रोच करने या उनको हीलिंग देने या उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। योर डीएम इज़ ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ गॉड, गॉड विल लुक आफ्टर योर डीएम। जैसे आप भगवान के बच्चे हैं, आपके डीएम भी भगवान के ही बच्चे हैं। आप अपने डीएम को भगवान के ऊपर छोड़ दें, नहीं तो अगर आप इन बिटवीन अगर आप कुछ अपने से करने की कोशिश करेंगी, दैट इज कम अंडर द डिवाइनल इंटरवेंशन। तो आप फिर अपने डीएम को अवेकन होने से थोड़ा डिले कर देंगी। इसीलिए एडवाइजेबल है आप उनसे अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगी, खुद से कम्युनिकेट नहीं करेंगी। उनसे अगर आए तो बिल्कुल टू द पॉइंट अच्छे से बात करेंगे। ये नहीं कि और भी आगे जाके आप कुछ और बातें करते करते बिल्कुल एक जैसे भगवान बनने की कोशिश हमें और आप लोगों को नहीं करना है, राइट? क्योंकि जो जिसका काम है वो वही करेंगे। आपसे अगर बात करें तो जो बात हो उसका आंसर दीजिए, रिप्लाई कीजिए बहुत अच्छे से। अपनी ओर से कुछ भी सजेशन या कुछ भी अपनी ओर से एडवाइस देने की अभी कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये अवेकनिंग प्रोसेस में डिले हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। ये था एडवाइस और ये था चैनल मैसेज जो रिसीव हुआ है, जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। ये हाईली अवेकंड जो ट्विन फ्लेम है, जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, जो न्यूबीज है, न्यू कमर्स है, उनसे रेजोनेट करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करे आप लें, जितना नहीं रेजोनेट करे आप एक दो दिन चार दिन तक ध्यान दें, हो सकता है आपसे रेजोनेट करेगा और ये 100% रेजोनेट करेगा। लेकिन जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनसे ये रेजोनेट नहीं करेगा। आप देखिए आपके साथ क्या सिचुएशन है। और ये था चैनलिंग। अभी थोड़ा एक बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि ये न्यू मून फेज कर आज स्टार्ट हो गया, जो न्यू मून इन कैंसर और कल भी न्यू मून रहेगा। आपको एक चीज ध्यान देनी है, 7/7 को जुलाई को जो पोर्टल आने वाला है उसमें भी एक आपके लिए मैं एडवाइस और जो आपको रिचुअल्स होगा वो मैं आपको बताऊंगी, वो आप करेंगे। अभी थोड़ा क्रूशल टाइम डीएम के लिए ज़्यादा क्रूशल है, लेकिन आपको भी जो न्यू ट्विन फ्लेमर्स हैं उनको भी थोड़ा पड़ जाओ हो सकता है, क्योंकि ये न्यू मून फेज है। तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ आप घबराइए नहीं, पर्जिंग होगी, पर्जिंग करिए और अपने ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, रेस्ट लीजिए। जैसे ही आपको थोड़ी नींद आए, थोड़ा सा आधी एक घंटे का नींद ले लें, इससे फ्रेश हो जाएगा माइंड। और क्योंकि डीएनए एक्टिवेशन का काम भी चल रहा है तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा इस वक्त। आप खुद ही देखिएगा, आपको नींद ऐसी आएगी आप खुद ही सो जाएंगे, चाहे वो टेबल में सर रख के या बेड पे, ऑफिस में भी आप कहीं ना कहीं आपको नैप भगवान खुद ही आपको नींद थोड़ा एक आधे एक घंटे के लिए, जब उनको लगेगा कि हाँ डीएनए एक्टिवेशन का टाइम आपके अंदर होना चाहिए, वो खुद ही आपको सुला देंगे। तो इसलिए घबराने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, जूस पानी कोकोनट वाटर ये सब लें, मिल्क वगैरह ये सब लें, दही ले सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा होता है। और अपना ध्यान रखें। इसके साथ ही चैनलिंग ख़त्म होती है और बहुत ढेर सारे ब्लेसिंग्स के साथ मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय।